साइड में इसके अंदर एक बटन होती है जिसको ऐसे लहराते हुए, तो सर मोटर में यहाँ पे हमने सप्लाई दिया 0.5 एम्पियर, मतलब 229 वोल्ट एसी करंट इस समय आ रहा है, प्लस पे है और जो ब्लैक वाला वो माइनस पे, तार है वो सही है, तो ये कंटिन्यूटी बताता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई दिखा रहा है 26 और लिखा इसमें 24, मजबूत है, ज्यादा दिनों तक एसी लाइट चेक कर सकते हैं। ये लाल लाल या वीक आगे ऐसे लहराते हुए, इसका ये मतलब हुआ कि वोल्टेज तो चेक करेगा लेकिन मीटर MFD मतलब माइक्रो फैराडे 104 MFD के पावर के बराबर है, यानी ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही है 3.15 का, और देख कितना रहा है 2.36 का पॉइंट, ये 4 पिन वाले पे रखें और 3 पिन वाले पे अगर रखेंगे तो ये 44 MFD के बराबर पावर दे रहा है, 6 MFD के पावर के बराबर दे रहा है वाला, ये मल्टीमीटर समझिए, ये जो सारे मल्टीमीटर है ना बल भी है, अब देखिए इसमें सिंबल बहुत अधिक दिया हुआ है। आज हम लोग मल्टीमीटर चलाना सीखेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का मल्टीमीटर हो, मतलब ये डिजिटल क्लैंप मीटर हो, चाहे हमारा ये छोटा वाला डिजिटल क्लैंप मीटर हो, चाहे ये वाला हमारा मीटर मल्टीमीटर हो जिसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं ये पीला वाला, और चाहे हमारा ये एमएफडी मीटर हो, एमएफडी मीटर का मतलब जो कैपेसिटर की पावर को मापता है कि ये कितने एमएफडी का है, और चाहे ये हमारा यूनिटी का सबसे जबरदस्त डिजिटल मल्टीमीटर हो, इन सभी मल्टीमीटर के सभी फंक्शन को समझेंगे कि किस पॉइंट से क्या कार्य होता है और किस प्रकार से हमारे मल्टीमीटर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एक मल्टीमीटर को जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे मिस्त्रियों के लिए है, मिस्त्री भाई के लिए, और ये जो मल्टीमीटर है इसका नाम है डिजिटल क्लैंप मीटर। अब समझिए सभी मल्टीमीटरों का नाम लगभग उसमें मिलेगा आपको, डिजिटल क्लैंप मीटर। डिजिटल का मतलब पहले समझिए, डिजिटल का मतलब होता है डिजिट, मतलब इसके अंदर डिस्प्ले है और डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर दिखाता है जो डिजिट में शो करता है, मतलब अंकों में शो करता है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है अंक, जैसे बोलते हैं ना मोदी जी हमारे कि डिजिटल इंडिया हो रही है, मतलब अंकों पर आधारित हो रही है, मतलब डिजिटल पेमेंट करना, मतलब आपके अकाउंट में जो अंक है उसमें से कुछ अंक कटेगा और किसी और के अकाउंट में जाके जुड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल। तो ये हो गया डिजिटल, और क्लैंप, क्लैंप का मतलब हो गया ये जो आगे का पोर्शन होता है ना, जो क्लैंप होता है, ये एक क्लैंप होता है, देख रहे हैं ना यहां से दबाने के बाद ऐसे कौवे जैसा मुंह बाहर है ना, ये क्लैंप होता है, मतलब जब हम किसी तार को ऐसे पकड़ के लगा लेते हैं ना, ये तार के ऊपर से बता देता है कि लाइट है कि नहीं है, ये जो उपकरण चल रहा है वो कितना एंपियर लाइट ले रहा है, ये तार के ऊपर से बता देता है, ये सब इसके फीचर होते हैं। चलिए हम चेक करके सीधा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले समझिए, नजदीक लाइए और यहां पर देखिए, ये हमारा जो डिजिटल क्लैंप मीटर है ना, बहुत नजदीक लाइए तब ना ये नंबर दिखना चाहिए। तो ये डिजिटल जो क्लैंप मीटर है, अब समझिए सबसे पहले यहां पर ये ऑफ के पोजीशन पे, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए एक बार, समझिए इसके अंदर बटन क्या क्या है। पहली चीज तो ये क्लैंप है जिसके अंदर हमारे तार फंसाए जाएंगे, उसके बाद ये इसकी स्विच है जिसको दबा के हम तार को फंसाएंगे, साइड में इसके अंदर एक बटन होती है जिसको हम बोलते हैं होल्ड बटन। इस बटन का कार्य होता है कि अगर कहीं आड़े बेड़े में हम चेक कर रहे हो और ऐसे हो तो होल्ड बटन दबा दीजिए, जो नंबर रहेगा वही रुका रहेगा, आप यहां आकर के देख सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर दिया रहता है होल्ड बटन। अब समझिए कि सबसे पहला पोजीशन, अगर हम इसको एक साइड ये लेफ्ट में हमने बाएं में घुमाया तो इसके अंदर लिखा क्या है, यहां पर देखिए ए लिखा है ना, ए अंग्रेजी का ए, ए का मतलब ए के आगे जो सिंबल दिया वो कैसे दिया, ऐसे लहराते हुए, तो लहराने का मतलब समझते हैं ये एसी करंट है और एसी का एम्पियर चेक करने के लिए ये दिया हुआ है, मतलब कोई भी उपकरण जो लाइट से चलता हो वो कितना एम्पियर लाइट ले रहा है उसको चेक करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर लिखा है 200 भी और 1000 भी, तो 200 का मतलब ये होता है कि आपको अगर लगता है कि जो हम उपकरण चला रहे हैं वो 200 एम्पियर से कम लाइट ले रहा होगा तो आप 200 पे करके चेक करिएगा, और अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं 200 नहीं 1000 ये 300 400 500 एम्पियर ले सकता है तो आप इसको 1000 पे करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं, जैसे देखिए हमारे पास ये है कंप्रेसर मोटर, इसके अंदर हम पावर लगा देते हैं। सबसे पहले नजदीक से थोड़ा इधर लाइए, ये देखिए एम्पियर मीटर को हम क्या करते हैं, इसके एक तार में, देखिए एम्पियर मीटर को एक तार में लगाना होता है, चाहे आप न्यूट्रल में लगाइए चाहे फेस में लगाइए, ये किसी एक में लगा दीजिए और एम्पियर पे ऑन करिए। जो मोटर हम चलाने वाले हैं हमको लगता है ये 200 के नीचे ही एम्पियर लेगा, तो हमने 200 पे किया और यहां पर देखिए पोजीशन 0.00 दिखा रहा है ना, सब 0.00 दिखा रहा है ना। अब हम कंप्रेसर मोटर को इस बोर्ड में लगाते हैं, देखिए हमने इसको मेन बोर्ड पे ही लगा दिया है, तो कंप्रेसर मोटर में यहां पे हमने सप्लाई दिया और स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे इस डिस्प्ले का नंबर दिखाइए यहां पर
पर जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए कुछ नंबर दिखा रहा है, कितना 0.5 एम्पियर, यानी ये जो मोटर चल रहा है हमारा कंप्रेसर मोटर, ये 0.5 एम्पियर लाइट ले रहा है, मतलब समझ गए ना कि आधा एम्पियर लाइट ले रहा है, और ये फ्रिज का कंप्रेसर आधा एम्पियर लाइट ले रहा है। यहां से हम ये भी समझ पाते हैं ना कि जो हमारा कंप्रेसर मोटर है वो सही है कि नहीं सही है, वो फ्रिज के अंदर गैस है कि नहीं है, तो इससे हमें ये सब भी पता चलता है। कैसे? अगर गैस रहेगी तो ज्यादा एम्पियर लेगा जो नॉर्मल की अपेक्षा है, मान लीजिए 0.7-0.8 एम्पियर लेगा जब इसके अंदर गैस रहेगी, और जब गैस नहीं रहेगी तो ये 0.5 एम्पियर ले रहा है। कुछ कंप्रेसर इससे कम भी लेते हैं, 0.2-0.3 एम्पियर लेते हैं, ये 0.5 एम्पियर ले रहा है। जब इससे हमें ये पता चलेगा गैस है मतलब लोड है मतलब ज्यादा एम्पियर लेगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर एम्पियर चेक कर सकते हैं। पहला पोजीशन तो हो गया हमारा एम्पियर का, तो ये एम्पियर 200 और 1000। इसके अलावा एक पॉइंट अगर इसको हम और नीचे करें तो यहां पर दिखेंगे लिखा है बोल्ट, और बोल्ट के आगे कितना लिखा है 750। ये लिखा है ना बोल्ट 750, इसका मतलब, और उसके आगे का जो सिंबल है वो भी ऐसे लहराते हुए, तो लहराने का मतलब क्या हो गया, ये एसी सिंबल है, यानी एसी करंट के वोल्टेज को चेक किया जाएगा। मतलब इससे हम ये चेक कर सकते हैं इस बोर्ड के अंदर जो लाइट आ रही है वो कितनी बोल्ट लाइट आ रही है। जैसे देखिए बोल्ट 750 दिया है हमने, उस पर ऑन कर दिया, और ये हमारा इसका दोनों तार है, यहां पर बोर्ड में हम सीधा इसको डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए अगर किसी गलत पोजीशन पे ऑन करके आपने बोर्ड के अंदर लगाया तो ये मल्टीमीटर तुरंत जल जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये खराब हो गया। लेकिन सही जगह ऑन करके लगाएंगे तब जाकर के सही पता चलेगा। अब देखिए यहां पर हमने दोनों लगाया, स्विच को ऑन कर दिया, वोल्टेज दिखा रहा है 229, मतलब 229 वोल्ट एसी करंट इस समय आ रहा है। मतलब जब हम किसी के घर एसी या फ्रिज वॉशिंग मशीन कुछ बनाने जाते हैं ना, तो पहले उसके घर का वोल्टेज देखना चाहिए कि उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि उसके गांव का वोल्टेज कम रहता हो, उसके एरिया का, उसके पावर हाउस का, उसके यहां बिजली के बिल का, जो पावर हाउस का जो भी वोल्टेज है वो कम रहता हो। यहां पर देखिए 229 वोल्ट है, मतलब अच्छा वोल्टेज है, कोई कमी नहीं है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं जो 750 और एसी, और यहां वी लिखा हुआ है, मतलब 750 वोल्ट तक हम एसी को यहां चेक कर सकते हैं। इसके एक पॉइंट अगर हम और नीचे दिखाएं तो इसके नीचे भी लिखा है वी, और वी के आगे जो सिंबल है वो एक सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा में होती है, जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं। मतलब डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी जो बैटरी से उत्पन्न होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्ट धारा। और देखिए यहां 1000 तक है, तो 1000 तक हम डीसी करंट चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये दो बैटरी है, इसको वोल्टेज को अगर हम चेक करें डीसी पे कर दिया, देखते हैं एक बैटरी इसमें से हमारी खराब है, इसलिए हमने दो रखा हुआ है, एक खराब है एक थोड़ी सही है। देखिए यहां पर देखिए हमने जब इस पे रखा तो डिस्प्ले के अंदर यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का यहां सिंबल आ रहा है और 002 लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कि हम जो ये चेक कर रहे हैं इस समय ये गलत चेक कर रहे हैं, मतलब माइनस वाले को प्लस पे रखें तो इसको हम इसको पलट देते हैं। जब हम पलट देंगे और उसके बाद जब रखेंगे तो देखिए ये माइनस नहीं आ रहा, उधर 2 ही आ रहा है, मतलब ये जो रेड वाला है ये इस टाइम इधर प्लस पे है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस पे है, इसलिए अब ये सही बता रहा है। अगर इसको उल्टा रखेंगे तो ये आगे -2 बताएगा, और सीधा रखेंगे तो केवल 2 वोल्ट बता रहा है। मतलब इसके अंदर सिर्फ इतनी पावर बची हुई है, 2 वोल्ट की पावर इस बैटरी के अंदर बची हुई है। तो इससे हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा उपकरण है वो कितना वोल्ट डीसी लाइट इस समय आ रही है। इसके अलावा और आगे आइए, इधर से आइए, इसके अलावा और दिखाते हैं आपको एक पॉइंट, अगर इसको हम और मोड़े तो इसके नीचे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा होता है, ये होता है कंटिन्यूटी का पोजीशन। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। ये स्पीकर का सिंबल बना है ना, ये सिर्फ एक ही जगह बना होता है। जैसे देखिए अगर इसके दोनों पॉइंट को हम टच कराते हैं तो इससे वीप की आवाज आती है। ये जो वीप की आवाज आती है ये पूरे मल्टीमीटर में, पूरे डिजिटल क्लैंप मीटर में सिर्फ एक ही जगह आती है। तो जहां पे आती है समझिए वो कंटिन्यूटी पॉइंट है, और बाकी यहां पर स्पीकर का सिंबल भी बना होता है। ये देखिए हमारा स्पीकर का सिंबल भी बना होता है, तो ये कंटिन्यूटी पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट पे जा रही है कि नहीं। जैसे ये हमारा देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई तार का बंडल हो, अगर इस तार को चेक करना हो कि सही है कि नहीं सही है, तो यहां पर देखिए हमने रेड पे इधर भी रख लिया और रेड वाले पर ही इधर भी रख लिया। अब ये रेड वाला तार सही है कि नहीं, इस डिस्प्ले के अंदर अगर कुछ दिखाएगा तो समझिए सही है, कुछ भी दिखाए तो देखिए यहां पर दिखा रहा है ना कुछ, तो ये जो दिखा रहा है इसका मतलब है ये जो तार है वो सही है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है कि बहुत दूर से जो भी लाइट होकर के आ रही है वो सही है कि नहीं। जैसे अगर इस तरह का कोई फैन मोटर भरा हुआ हो और अगर इसको हमें चेक करना पड़ जाए कि ये सही है कि नहीं, दो तारों पर ऐसे रखते हैं, अगर ये कंटिन्यूटी
बताता है तो समझिए कि ये जो बाइंडिंग किया हुआ है, ये जो तार लपेटा गया, वो कहीं टूटा नहीं है, वो सब के सब सही है। देखिए उसी प्रकार से सेम हमारा ये भी काम कर देता है, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर, ये भी वही काम करता है। जैसे देखिए यहां रेड वाले पे हमने रखा इसका एक सिरे पे और इसका दूसरे सिरे पे इधर हमने रेड वाले पे रख दिया, तो देखिए इसके अंदर बल्ब जल रहा है, मतलब कंटिन्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सिर्फ उतना ही जानने के लिए इस कंटिन्यूटी टेस्टर का भी हम यूज कर सकते हैं और इस कंटिन्यूटी पॉइंट का यूज करते हैं। ये जो तीन पॉइंट अभी हमने आपको बताया ना, ये तीनों पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला हमारा एम्पियर, दूसरा हमारा वोल्टेज है एसी एम्पियर है, दूसरा वोल्टेज है जो कि एसी है और वोल्टेज फिर हमारा डीसी है, उसके बाद कंटिन्यूटी है और उसके बाद जो पोजिशन है ये होता है हमारा ओम का सिंबल। देखिए यहां पे ओम का सिंबल बना है ना और आगे लिखा है 20K का मतलब होता है हजार। जैसे चैनल पे देखेंगे आप लिखा रहेगा 80K सब्सक्राइबर है ना, जैसे हमारे पे देख रहे होंगे लिखा रहेगा 935K सब्सक्राइबर, मतलब 935,000 सब्सक्राइबर है ना। ऐसे K का मतलब होता है हजार, करोड़ मत समझ लेना, K का मतलब होता है हजार। तो इसमें 20K लिखा है मतलब 20,000 ओम तक इससे चेक किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा ओम है तो फिर देखिए यहां पर 20 मेगा ओम लिखा है, 20 मिलियन ओम, मतलब लगभग 2 करोड़ ओम है। और उसके बाद देखिए यहां पर 2000 मेगा ओम, यानी बहुत बड़ा है। तो ये जो ज्यादा की संख्या में है इसका उपयोग टीवी रिपेयरिंग वाले वगैरह करते हैं, ये हमारे काम में नहीं आता, जो एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर आरओ में ये सब नहीं आता है। अब समझिए, अब जैसे जो डीसी बोल्ट है यहां पर देख सकते हैं, ये जो बोल्ट है ना डीसी 1000 का, यहां हमने बैटरी चेक करके दिखाया, अगर आपको दिखाते हैं आप एक एसएमपीएस चेक करके देखिए, ये हमारे पास एक एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, अगर इसको हम यहां पर डाल दें प्लग में सप्लाई दें, ये हमारा जो एसएमपीएस है इसके अंदर यहां दिखाइए कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, इनपुट लिखा है 100 से 240 वोल्ट, यानी 100 से 240 वोल्ट की सप्लाई आएगी, 1.6 एम्पियर का 50 से 60 हर्ट्ज पे काम करेगा और आउटपुट क्या देगा 24 वोल्ट और आगे का जो सिंबल है वो सीधी लाइन है, मतलब डीसी, तो 24 वोल्ट डीसी देगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं और 24 वोल्ट डीसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे देखिए एक पे हमने सप्लाई को रखा तार को, यहां पर देखिए हमने स्विच को ऑन किया हुआ है और ये हमारा डीसी वोल्ट पे लगा हुआ है, अब इसको हम लगाते हैं, यहां पर देखिए कुछ दिखा रहा है डिस्प्ले में, दिखा रहा है 26 और लिखा है इसमें 24, लेकिन जितना लिखा है उससे ज्यादा ही वोल्ट ये दे पा रहा है, देख सकते हैं यहां पर कि ये 26 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहा है। अगर इसको हम उल्टा रखें तो देखिए ये भी माइनस में दिखाई देगा, आगे का सिंबल इसमें माइनस दिखाई देगा, देखिए यहां पे माइनस का सिंबल लग गया, लिखा तो 26 ही है लेकिन शुरू में माइनस लग गया, जब इसको हम सीधा रखते हैं तो इसका ये प्लस वाला रेड वाला प्लस पे जाता है और प्लस वाले की पहचान हमने आरओ की वीडियो में बताया था कि जिसमें व्हाइट कलर का ऐसे पॉइंट बना होता है वो प्लस का वायर होता है। तो प्लस माइनस होते हैं डीसी में, डीसी लाइट में प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम अपने डिजिटल क्लैंप मीटर को चला सकते हैं और देखिए फिर ये नीचे के पोजीशन पे ऑफ हो जाता है और एक तरफ जो लिखा होता है दूसरी तरफ सेम वही चीज लिखी होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। साइड रखते हैं इसको डिजिटल मल्टीमीटर क्लैंप मीटर को। अब समझिए ये दूसरा क्लैंप मीटर, ये जो दूसरा क्लैंप मीटर है ना, ये सेम जितने भी फीचर इस बड़े वाले मल्टीमीटर के अंदर है ये सब कुछ इस छोटे वाले मल्टीमीटर के अंदर है, मतलब जो बड़े मीटर के हैं वो छोटे के अंदर है। आई जोन बड़े वाला मल्टीमीटर है ना, साइज में देखने में बड़ा लग रहा है, ये इससे 100 रुपए महंगा भी मिलता है, छोटा है, मजबूत है, ज्यादा दिनों तक काम करता है, अच्छा है, टिकाऊ है, मतलब ठीक ठाक काम करता है। और ये जो बड़ा वाला है ना, थोड़ी बड़ा होता है, बैग में जगह भी ज्यादा घेरता है और थोड़ी जल्दी खराब भी हो जाता है क्योंकि बड़ा है, थोड़ा सा गिरने पे इधर उधर इसकी बॉडी वगैरह बैटरी वगैरह हो जाती है। ये छोटा है, थोड़ा ठोस है, लेकिन है दोनों सेम चीज। इसके अंदर भी होल्ड बटन है, इसके अंदर भी देखिए होल्ड बटन है, ये भी क्लैंप है, देखिए ये भी क्लैंप है, बस ये क्लैंप थोड़ी बड़ा, ये क्लैंप थोड़ी छोटा है। जितने भी फंक्शन इसके अंदर है वो सब फंक्शन इसके अंदर भी है। यहां पर दिखाइए एक बार नजदीक से, यहां पर देखिए लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है 20 एम्पियर और आगे का जो सिंबल है वो देखिए सरल ऐसे लहराते हुए, मतलब एसी का है 20, यानी एम्पियर चेक करने के लिए, यहां फिर 200 एम्पियर ये भी एसी का है, फिर 400 एम्पियर लहराते हुए ये भी एसी का, और फिर 450 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं और एसी लाइट चेक कर सकते हैं, ये लाल लाल है ना, मतलब ये चारों एसी लाइट के लिए। उसके बाद यहां पर देखिए 600 वोल्ट डीसी चेक कर सकते हैं, लिखा है 600 वोल्ट डीसी, और उसके बाद यहां पे कंटिन्यूटी का पोजीशन है, उसके बाद 2000 ओम
200 के है ना, तो 200,000 ओम हो गया और उसके बाद ये ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। इतने ही पॉइंट इसके अंदर है और सेम वही पॉइंट इसके अंदर है, ये पूरा काम उतना ही कर लेता है। इसके अंदर से भी हम एम्पियर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये पीला वाला मल्टीमीटर, इसका तो यूज सबसे ज्यादा लोग करते हैं, इसके बारे में समझते होंगे बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नजदीक से दिखाइए क्योंकि सबसे सस्ता भी मिल जाता है ये वाला मल्टीमीटर। इसके अंदर देखिए क्या क्या, सबसे पहले ऑफ पोजीशन पे है, अगर हम इसको राइट साइड से घुमाना शुरू करें तो देखिए 750 वोल्ट और यहां कोने में लिख दिया वी क्या गया ऐसे लहराते हुए। इसका ये मतलब हुआ कि वोल्टेज तो चेक करेगा लेकिन एसी लाइट का 750 तक चेक कर सकता है। अगर 200 के अंदर लग रहा हो तो आप यहां रख के चेक कर सकते हैं। उसके बाद एम्पियर है और एम्पियर के आगे देखिए डॉट डॉट है, मतलब ये डीसी एम्पियर को चेक करेगा और ये चारों पॉइंट उसी के लिए। उसके बाद यहां पर 10 एम्पियर है और ये भी डॉट डॉट है, मतलब देख लीजिए। और उसके बाद कंटिन्यूटी वगैरह इसके अंदर भी है, यहां पर कंटिन्यूटी है, यहां पर रेजिस्टेंस है और उसके अंदर ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए। इसके द्वारा देखिए वैसे रिपेयरिंग पीसीबी रिपेयरिंग वाले लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग इसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। अगर हम इसका यूज करना चाहें इस वाले मल्टीमीटर का तो हम केवल कंटिन्यूटी और वोल्टेज दो काम के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और अगर इस बड़े वाले क्लैंप मीटर का यूज करें तो हम क्लैंप यानी कि एंपियर जानने के लिए, वोल्टेज जानने के लिए और कंटिन्यूटी जानने के लिए, तीन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारा महत्वपूर्ण मल्टीमीटर आता है जो कि है एमएफडी मीटर, MFD, मतलब माइक्रो फैराडे, यानी कि कैपेसिटर को मापने का मल्टीमीटर हमारा है। यानी ये जो कैपेसिटर होते हैं एसी में, कहीं इसकी पावर कम तो नहीं हो गई है इसलिए हमारा कंप्रेसर मोटर नहीं चल रहा होगा? क्या ये जो कैपेसिटर जितना एमएफडी लिख करके दिया गया इस पर, क्या उतने एमएफडी का है? ये सब चेक करने के लिए हम इस एमएफडी मीटर का यूज करते हैं। अब समझिए एमएफडी मीटर को यूज करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर दो बटन है, एक बटन को यहां पर ये पावर बटन है, पावर लिखा हुआ है। जैसे हम प्रेस करेंगे देखिए सबसे पहले ऊपर दो पे कर देते हैं और पावर बटन दबाते हैं, यहां पर सब कुछ 00 शो कर रहा है और यहां पे लिखा है 2 UF, यानी कि अगर आपको लगता है कि जो कैपेसिटर आप चेक करने जा रहे हैं वो 2 MFD से कम है तो आप इस पे रख के चेक करिए। देखिए जैसे हमारे पास यहां पर 1 MFD है, एक कैपेसिटर है, ये लिखा है 80 से 100 MFD, यानी 80 से 100 MFD का ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। क्या ये जितना पावर लिखा है उतने का है कि नहीं है वो चेक करना चाहते हैं। तो देखिए अभी हम दो ही पे रहने देते हैं और इसको लगाते हैं तो देखेंगे ये कुछ नहीं बताएगा, ये प्लस माइनस की भी कोई बात नहीं होती इसमें, किसी पर रख लीजिए। देखिए ये कुछ भी नहीं बता रहा है, ये 1 का 1 लिखा हुआ है। अगर इसको 2 MFD से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये अगला पॉइंट है इसमें 20 MFD। अब देखिए ये 20 MFD पे अगर करेंगे तो भी ये नहीं बताएगा क्योंकि इसमें लिखा है 80 से 100 और तीसरा इसमें है 200 MFD, यानी कि अगर हम 200 MFD पे करेंगे तो जैसे ही करेंगे ये डिस्प्ले में हमारा नंबर यहां पर दिखाएगा। तो देखिए जैसे ही हम यहां पर करेंगे 200 MFD पे तो यहां पर देखेंगे दिखा रहा है 104.1 UF, मतलब ये 104 MFD के पावर के बराबर है, यानी ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही है, लिखा 80 से 100 है और दे रहा है 104 MFD की पावर, मतलब जितना लिखा है उससे बेस्ट है, यानी बढ़िया कंपनी का है ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं जो कम पावर देते हैं, जैसे देखिए ये 3.15 का कैपेसिटर है जो पंखा का है, अगर इसको हमें चेक करना है तो हम इसको एक पॉइंट पे रखेंगे और इसके दूसरे पॉइंट को यहां पे पकड़ेंगे और इसको देखिए हम 200 पे ही रहने देते तो भी 2.3 MFD की पावर दे रहा है, 20 पे रखेंगे तो भी देखिए 2.36 MFD की पावर दे रहा है। देखिए ये कैपेसिटर लिखा कितना है 3.15 का और दे कितना रहा है 2.36 का, यानी 2.5 MFD से भी कम पावर दे रहा है और लिखा है 3.25 MFD का, मतलब ये कैपेसिटर खराब है, इसको चेंज करने की जरूरत है। ये 2.5 MFD के पावर यानी 2.36 पावर बराबर देगा, अगर इतना से आपका काम चल सकता है तो चलाइए, नहीं तो इसको चेंज करिए, इसको बदलिए। तो बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो लिख करके दे देते हैं भैया लीजिए 80 MFD का, 100 MFD का, लेकिन वो होता नहीं है। यहां पर दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए ये हमारा कैपेसिटर एक, इसमें 3 पॉइंट बने हुए हैं, एसी में लगने वाला कैपेसिटर है, ये अलग अलग पावर बताएगा। देखिए यहां पर इसको हम 200 पे रखते हैं तब ये समझ में आएगा। देखिए 44.1 का पावर दे रहा है इस पर, एक पॉइंट ये 4 पिन वाले पे रखें और 3 पिन वाले पे अगर रखेंगे तो ये 44 MFD के बराबर पावर दे रहा है, और अगर इसको इधर वाले पे लगाएंगे तो देखिए ये हो सकता है कि 6 MFD के पावर के बराबर देगा। देखिए ये 6 MFD के पावर के बराबर दे रहा है, मतलब ये कैपेसिटर को हम एसी में प्रयोग करते हैं और अगर इन दोनों पिनों को प्रयोग करें तो 44 MFD की पावर ले सकते हैं और अगर इधर के दोनों को प्रयोग करें तो हम 6 MFD का पावर ले सकते हैं, यानी इसे हम पंखा भी चला सकते हैं एसी में और इससे हम कैपेसिटर भी
इससे हम फैन मोटर भी चला सकते हैं। इसके अलावा एमएफडी मीटर देखिए हमारा ये सब यूएफ चेक करने के लिए, अगर आपको लगता नहीं 2000 एमएफडी तक का कैपेसिटर तो आप इस पर रख करके चेक करिए, और यहां पे 20 मिली एमएफडी का अगर कैपेसिटर बहुत अधिक पावर का है तो आप इस पर रख के चेक करिए और पावर को यहां से बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एमएफडी मीटर होता है जिससे हम किसी भी कैपेसिटर की पावर को चेक कर सकते हैं। अब बात रही हमारे मल्टीमीटर की, जबरदस्त वाला ये मल्टीमीटर, समझिए ये जो सारे मल्टीमीटर है ना सबका जैसा ही काम करता है सेम, डिफरेंट इसमें इस बात का दे दिया है। देखिए क्या क्या डिफरेंट आपको दिखाते हैं। पावर बटन यहां दिया है ऑन करने के लिए, ऑन कर लीजिए। जो चीजें लिखी है बेसिक वो समझिए, यहां पर एम्पियर लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी का सिंबल भी है। अब देखिए इसमें सिंबल बहुत अधिक दिया हुआ है, यानी कि बहुत मिनिमम भी चेक कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे एम्पियर को माने, ये एम्पियर और सीधी रेखा में मतलब डीसी चेक करने के लिए, तो 2 मिली है, फिर 20 मिली है, फिर 200 मिली है, फिर 20 है, मतलब ये सब एम्पियर चेक करने के लिए ही है। ये ग्रीन कलर में जितना है सब यहां ओम का सिंबल है, सब ओम का। देखिए 200 ओम के नीचे हो तो इस पे चेक करिए, 2000 तक हो तो इस पे चेक करिए, 20000 तक हो तो इस पे चेक करिए, 2 लाख तक हो तो इस पे चेक करिए, 20 लाख तक हो तो इस पे चेक करिए, 2 करोड़ हो तो इस पे चेक करिए, है ना। ये सब मतलब उसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंज इसमें दिया हुआ है। और उसी तरह से यहां पे डीसी वोल्ट को चेक करना चाहते हैं तो 200 मिली वोल्ट या 2 वोल्ट या 20 वोल्ट या 200 वोल्ट या 1000 वोल्ट ये सब चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वोल्ट एसी है, इसके अंदर 200 मिली वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं, 2 वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं, 200 वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं, 750 वोल्ट तक को भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे भागों में बांट दिया है उसको, इसलिए ये सबसे ज्यादा ये सब पॉइंट इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जबकि काम ये सभी के बराबर ही काम करेगा। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे मल्टीमीटर काम करते हैं। और इस मल्टीमीटर देखिए, इस मल्टीमीटरों से रिलेटेड आपका अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव बचता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसको भी जाकर के देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।